आप सही कह रहे हैं, ये जो मेडिकल क्षेत्र में आतंकवाद चल रहा है इसको आतंकवाद कहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आतंक करते हैं और पूरा देश और इस देश के जितने भी अग्रणी लोग हैं और जनता है वो उसकी मूक सहमति दर्शाती है। पता नहीं ये प्लेजर कैसे मिलता है। और जो वेस्ट बंगाल में घटना हुई और इतना बवाल मच रहा है, उसके पीछे दो वजह ज्यादा है। अभी भी ना होता बवाल, उसके पीछे कारण क्या है? आपने सही कहा था, उसके पीछे कारण नंबर एक वो ये है कि आप सोचिए कि 80 साल का बुजुर्ग एक ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम लेकर आता है, जिसमें कि अगर घर वो अस्पताल ना आते तो घर में ही उनके प्राण खत्म हो जाते। अब अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बचाया तो जा नहीं सकता है, कोशिश की जाती है, हम लोग कोशिश करते हैं। अब नहीं बचा पाए एक 80 साल के बुजुर्ग को, तो आपने यंग स्टूडेंट्स को ऐसे मारा है कि आप अगर देखें तो ये खोपड़ी में अंदर गड्ढा बन गया है। ये तो कहिए शुक्र है कि उसको ठीक से करेक्ट कर दिया है, आगे उनके जीवन में क्या कमियां रहेंगी नोबडी नोज। तो इतना भी भत्स, इतनी घृणा, इस तरह आप मारेंगे एक 80 साल का बुजुर्ग जो कि ऑलरेडी ऑन दी वर्ज ऑफ डाइंग था, नंबर एक। और नंबर दो, वेस्ट बंगाल में जो ममता जी हैं, ये ममता जी हर चीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ती हैं। उन्होंने इस घटना को वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। उनको मैं बता दूं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए मानव शरीर एक शरीर होता है, उनके लिए ये नहीं होता है कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है। पूरा जीवन बीत जाता है, ये आपके लिए होता होगा, ये ममता जी आपके लिए होता होगा। आप वोट बैंक की लालच की रोटी खाती होंगी, आपके लिए वोट बैंक इंपॉर्टेंट होता होगा। हम लोगों के लिए वोट बैंक की कोई नहीं, मानव शरीर की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन हम सबका जीवन बचाने की गारंटी नहीं ले सकते, नंबर एक। और नंबर दो, अगर डॉक्टर के हाथ में पूरी तरह जीवन होता तो डॉक्टर आम पब्लिक की तुलना में 5 साल पहले क्यों मर जाता है, इसका जवाब दीजिए। और आपने इस घटना को यह कह दिया। दूसरी बात आपने एक और कही, आपने कही ममता जी ने कि साहब ऐसा है कि पुलिस वाले भी तो मर जाते हैं, तो डॉक्टर क्या हो, अगर मार दिया तो क्या हो गया? अरे पुलिस वाले मरते हैं तो आप क्रिमिनल को पकड़ करके फांसी पर लटकाते हो। आपने क्या पकड़ा उस क्रिमिनल को? नहीं पकड़ा। और दूसरी बात, आप पुलिस से तुलना कर रही हो, यानी कि मरीज क्रिमिनल होते हैं जिससे हम डील कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स डील विद द क्रिमिनल्स। क्या मजाक है! अगर कहीं मूर्खता का नोबेल प्राइज मिलता हो तो इनको आप नॉमिनेट करवा दीजिए, ये ममता जी को। आजकल वैसे भी इनके दिमाग खराब है, और दिमाग इतने खराब हैं कि आप बुद्धिजीवियों, जो देश और जो समाज बुद्धिजीवियों का, बौद्धिक लोगों का सम्मान नहीं करता है, वो समाज नष्ट हो जाता है, वो देश नष्ट हो जाता है। इस बात को वो नहीं समझ रही है। और उन्होंने बुद्धिजीवी छोड़ो, उन्होंने तो भगवान का ही आदर करना बंद कर दिया। अगर इसको आप देखें, भी थोड़े दिनों पहले उनको लोग सड़क पर चढ़ाते थे भगवान का नाम लेकर। तो जो शख्स भगवान की बेइज्जती करता हो, बुद्धिजीवियों की बेइज्जती करता हो, उस जगह का और उस प्रदेश का क्या आलम होगा, इसको समझा जा सकता है। इसको आप समझिए इस बात को। और मैं ये बात कहूंगा, बात केवल वेस्ट बंगाल की नहीं है, बात पूरे देश की है, बात देश के एक एक शहर की है। और हर आदमी संवेदनहीन है, सरकार भी है। कभी ऐसा होता है कि जनता नेताओं और सरकार को जाके मारने लगे कि तुमने यह वादा किया था नहीं पूरा किया, अब हम मारेंगे तुमको? कभी ऐसा सुना है आपने? कभी आपने सुना है न्यायालय में जनता जाए और कहे कि मुकदमा किया था आदमी ने, उसके पोते को जजमेंट आप दे रहे हो, हम मारेंगे? कभी ऐसा हुआ? वहां तो आप सुरक्षा ले लेते हो, नेता भी सुरक्षा ले लेता है। कभी आपने सुना पुलिस स्टेशन पर कभी FIR नहीं लिखी जाती बगैर पैसे लिए? कभी ऐसा हुआ कि पुलिस स्टेशन पर कोई मारने लगा, वहां आप उसको और 4 डंडे मार दोगे? आप सरकारी दफ्तर में जाते हो, आपका काम नहीं होता सालों साल, फाइलें नहीं मूव करती, आप मारते हो किसी को? नहीं मारते हो। क्यों डॉक्टर को मारते हो? क्योंकि वो इजी टारगेट है, वो बेचारा शरीफ आदमी है, अपने दिमाग से आपकी जान बचाने की कोशिश करता है। तो ये जनता भी ये जान ले कि एक ऐसा आप इंसिडेंस करते हो, एक इंसिडेंस, तो आप समझो
कि सैकड़ों हजारों लोगों का नुकसान होगा। मैं हूं, मैं 25-26 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने सीरियस केस लेना बंद कर दिया, ज्यादातर डॉक्टरों ने सीरियस केस लेना बंद कर दिया। किसका नुकसान हो रहा है? जनता का। एक समय ऐसा आएगा आपका इलाज करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये जनता बड़ा सोच रही है कि बड़ा मजा आ रहा है कि मारना चाहिए। कानून इस देश में है कि नहीं? बाकी जगह पे तो आप कह देते हो कानून, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, बट वाई द लॉ इज नॉट टेकिंग इट्स ओन कोर्स इन दिस केस और थाउजेंड्स ऑफ द केसेस। लेकिन सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, वो संवेदनहीन होती है, क्योंकि डॉक्टर से हर आदमी को ईर्ष्या होती है। और अंत में मैं डॉक्टरों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई साहब, मत सोचिए कैरियर का, मत सोचिए किसी और चीज का। सड़क पर कुत्ता भी होता है, उसको खाना मिल जाता है। जहां भी हो, अपने आत्मसम्मान से कोई भी कंप्रोमाइज मत करिए, मत सोचिए, निकल आइए इस प्रोफेशन से, छोड़ दीजिए इस प्रोफेशन को। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप किसी का इलाज करें और बचा ना पाए तो वो आपकी खोपड़ी तोड़ देगा, मार डालेगा, और सरकार कुछ नहीं करेगी। पकड़ना तो दूर रहा, चीफ मिनिस्टर कहेगा कि भाई साहब पुलिस वाला मरता है, आप ही मरिए। इसके पहले एक जज भी यही बात कह चुके हैं, एक जज साहिबा ने यही बात कही थी। ये नहीं चलेगा, तो इसलिए डिसाइड कर लीजिए इस बात को, बहुत हो चुका, डिसाइड कर लीजिए एक बार, प्रोफेशन छोड़ दीजिए, इलाज करना छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। आत्मसम्मान जब तक आपका रिस्टोर नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। इसको देखिए। नमस्कार।